स्टार्ट कीजिएगा फिर मैं करूँ, आप यूँ कीजिएगा मिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक यूनिट नंबर 2 मटेरियल्स। आवर टॉपिक मटेरियल्स बेस्ड ऑन मैटर। मैटर हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। टुडे वी विल रीड एंड लर्न अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट वी एक्सप्लेन द सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल, आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स। देर आर रॉक्स, सॉयल, वुड, वाटर, एयर, एग। ऑल दीज मटीरियल्स आर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको पता है कि हमारी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें ठोस, माया और गैस, 3 हालतों में ये शामिल हैं, 3 हालतों में होती मौजूद होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेट जो है वो मैटर की हमारे पास जो मौजूद है वो है सॉलिड। सॉलिड फर्स्ट सॉलिड एक्सप्लेन, थिंग्स दैट हैव डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। वो चीज़ जो एक शक्ल रखती हो, एक शक्ल और उसकी जगह रखती हो, वो ठोस कहलाती है, सॉलिड कहलाती है। सॉलिड्स की एग्जांपल में हम लेते हैं, एक ब्लॉक की एग्जांपल लेते हैं, इसमें स्टोन्स की एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, पत्थर भी इसमें आ जाते हैं, इसमें लकड़ी भी आ जाती है। दीज थिंग्स दैट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी जहाँ पर आपको देखें रखा हुआ लकड़ी का ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, तो ब्लॉक वो जगह भी घेर रहा है और स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। शेप भी उसकी एक शेप है, वो बिखरा हुआ नहीं है, एक शेप की हालत में है, ये कहलाता है सॉलिड्स। अब सेकेंड पे आते हैं हम लिक्विड्स पे। लिक्विड्स आर सब्सटेंस दैट डोंट हैव एनी शेप एंड फ्लो इक्वली इजीली फ्लो। लिक्विड्स जो हैं वो किसी भी चीज़ में, अगर आप उसको देखा जाए, एक ग्लास देखें आप, उसमें पानी रखा हुआ है, तो पानी की कोई शेप नहीं है, ना ये एक शेप, किसी भी आप किसी बर्तन पे यहाँ इसको इस तरह करके देखिए, इस तरह गिरा के देखिए, तो कोई शेप नहीं बनती इस पानी की। वो जिस बर्तन में डाला जाए उसको, तो वो उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम, ये अपना कोई एक मुकम्मल नहीं रखती, कोई शक्ल नहीं रखता। थर्ड वन पे आइए हम गैस पे आते हैं। गैस क्या है? गैस हैज डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। गैस का ये है कि कोई शेप नहीं रखती गैस भी। फ़र्ज़ कीजिए बलून मेरे पास है, तो इस बलून को अगर एयर, आप गैस की शक्ल आप देखते हैं, तो गैस को हम अगर इस तरह चेक करते हैं कि गैस एयर की शक्ल रखती है, तो एयर क्या है आप देखिए, अगर हम बलून से हवा निकाल देते हैं तो ये कोई शेप नहीं है रही इसकी, यानी वो स्प्रेड होगी सारी जगहों पर, फैल गई। तो ये एक गैस की एग्जांपल होगी, ये हम एयर हमारे पास गैस की एग्जांपल है। इसी तरह आइए, 3 स्टेट्स मैंने आपको बताइए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कहलाती हैं। फर्स्ट सॉलिड्स में एग्जांपल्स देते हैं हैट, पेंसिल, टेबल, स्नो, एप्पल, ट्रीज़, ये तमाम चीज़ें, वुड, डोर्स, वॉल्स, ये तमाम चीज़ें सॉलिड्स हैं, ये टूट नहीं सकती, ये सख्त जान चीज़ें हैं, और एक शेप की शक्ल, एक शक्ल होती है, जैसे ट्रीज़ की देखिए आप, एक शेप होती है, ट्री घिर नहीं सकता, यहाँ वहाँ घिर नहीं सकता, एक डेफिनेट शेप रखता है और एक जगह भी घेरता है इस जगह पर। सेकेंड पे देखिए लिक्विड। लिक्विड जो है वो देखिए, लिक्विड अगर पानी आप देखते हैं, तो ये पानी देखिए, वाटर इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगर हम इसको देखें तो ये जिस चीज़ में डाला जाता है, आप बड़ी बास्केट में डालिए, अब ग्लास में डालिए, जग में डालिए, उसकी शेप, उसी शेप में वो चला जाएगा, वो शेप चेंज नहीं करता, उसी शक्ल अख्तियार कर लेता है, और जहाँ जितना जहाँ गिरा दिया जाए उसी शक्ल में चला जाएगा ये। इसकी एग्जांपल में आप देखिए हमारे घर में आम फॉर, बहुत नॉर्मल सी एग्जांपल में आप ले लीजिए मिल्क, दूध हम घर में इस्तेमाल करते हैं, दूध को आप जिस भी बर्तन में डालते हैं, पैकिंग में आता है तो डिब्बों की शक्ल में आ जाएगा, वो उसी शक्ल में अख्तियार कर लेता है। घरों में बर्तनों में डालते हैं, यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें तो उसी शक्ल में चला जाता है, बॉटल में डालें बॉटल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जूसेस देखिए, जूसेस डिब्बों की शक्ल में होते हैं, चाय जो आप पीते हैं वो लिक्विड्स की शक्ल देखिए उसमें आती है, बारिश जो होती है वो लिक्विड की शक्ल में आ जाती है। इसी तरह
आप सूप पीते हैं वो भी लिक्विड की शक्ल है। ये तमाम एग्जांपल्स आपके पास भरी हुई हैं लिक्विड्स की। और देखिए सबसे मेन जो हमारे पास सोर्स है लिक्विड की, वाटर है। थर्ड वन पे आते हैं गैस पर। गैस की एग्जांपल में हमारे पास, मैंने आपको बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी कि बलून हमारे पास एयर से फुल था और मैंने उससे गैस को लीक कर दिया तो गैस स्प्रेड हो गई। गैस जो है वो स्प्रेड हो गई है, गैस सारी तरफ फैल गई है। ये बलून इसकी एग्जांपल, यानी इसके अंदर एयर मौजूद थी, वो स्प्रेड होगी सारी साइड्स पे, यानी उसकी शक्ल कोई नहीं रही, वो एक शेप में नहीं रहा। दैट नो डेफिनेट शेप हैव गैसेस। गैस की एग्जांपल में हम लेते हैं विंड फ्रॉम फैन, स्टीम, विंड हवा जो बाहर चल रही होती है, ये एग्जांपल्स हमारी गैसेस की शक्ल में आ जाती हैं। ये तमाम गैसेस हमारे पास मौजूद होती हैं। फर्स्ट बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस, जो हम एयर के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं, ये भी एक गैस है, गैस की शक्ल है। ये गैस देखिए, ऑक्सीजन जिसका फार्मूला O2 है, ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, इंसान ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, और ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर अपने अराउंड से ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन गैस को खारिज कर रहे होते हैं, और हम इसी गैस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एग्जांपल है गैस की सबसे बड़ी। आई होप यू विल बी सेटिस्फाई माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।